बिग बॉस 13 समाप्त हो चुका है और सिद्धार्थ शुक्ला बन चुके हैं बिग बॉस 13 के विजेता। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्या सचमुच आसिम रियाज को कम वोट मिले थे सिद्धार्थ शुक्ला से, या फिर जो है आसिम रियाज को ज़्यादा वोट मिले थे सिद्धार्थ शुक्ला से लेकिन जो है आसिम रियाज को हरा दिया गया। तो आज जो है इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं AMN नेटवर्क और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए आप सभी को बता दूं कि बिग बॉस 13 का जो विनर हुए हैं सिद्धार्थ शुक्ला, उस पर जो है कहीं ना कहीं एक चर्चा की विषय अब हो गई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिग बॉस 13 हमेशा से ही विवाद में रहा और शो पर जो है ये आरोप लगता रहा कि वो शो जो है सिद्धार्थ शुक्ला को फेवर करती है, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ जो है शो बायस्ड है। लेकिन जो है इस पर जो है पूरे फिनाले से लेकर जो शुरुआत हुई तभी से लेकर फिनाले तक इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। आप सभी को बता दूं कि फिनाले की जो वोटिंग आई है उस पर जो है अब एक बार फिर से विवाद हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर पता नहीं है तो आप लोगों को बता दूं कि वोटिंग जो होती है तो फिनाले के जितने भी वोटिंग ट्रेंड्स आए, जितने भी यानी कि आप लोगों ने किसी भी चैनल पर अगर वोटिंग ट्रेंड्स देखे होंगे तो उसमें जो है दो बात सुने होंगे, या तो आसिम रियाज सिद्धार्थ शुक्ला से आगे है वोटिंग में, या तो जो है उन दोनों के भी बीच जो है बहुत ही कड़ा मुकाबला है। तो ये बात हमें सुनने को मिली। आप सभी को बता दूं कि जितने भी पोल्स हुए थे यानी कि जो पोल कराते हैं वो जितने भी हुए थे इंडिया में, उन सब में जो है आसिम रियाज को जीतता हुआ नज़र आया था। उसको दिखाया गया था, उसको जो है सिद्धार्थ शुक्ला से 4-5% ज़्यादा वोट मिल रहे थे और जो है आसिम रियाज क्लियर कट विनर बनता हुआ नज़र आ रहा था। वहीं बात करें अगर बिग बॉस की फिनाले की, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिग बॉस 13 के फिनाले में लाइव वोटिंग हुई विजेता चुनने के लिए। लेकिन वहां पर क्या होता है कि लाइव वोटिंग ऑन होने से 5-10 मिनट पहले ही सारे जगह पर जो है ये अनाउंस हो जाता है कि बिग बॉस 13 का विजेता का नाम जो है अनाउंस हो चुका है और वो लोग सिद्धार्थ शुक्ला का नाम जो है लाइव वोटिंग ऑन होने से पहले ही बता देते हैं। सारे जगह जो है पहले ही ये खबर लीक हो जाती है कि सिद्धार्थ शुक्ला बन गए हैं बिग बॉस 13 के विनर। तो ये कैसे संभव है जब लाइव वोटिंग ऑन ही नहीं हुआ है, जब वोटिंग कम्प्लीट ही नहीं हुआ है, तो उससे पहले जो है कैसे ये अनाउंस हो गया कि सिद्धार्थ शुक्ला बन गए हैं विनर। वही बात करें कुछ और, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल ही जो है कलर्स टीवी के एक एम्प्लॉय ने ये दावा किया था कि शुक्ला जो है ये फिक्स्ड विनर है, नहीं कि वोट के आधार पर। और जो है सिद्धार्थ और बिग बॉस और जो कलर्स टीवी है उन दोनों के बीच जो डील हुई थी वो तब हुई थी जबकि सिद्धार्थ शुक्ला अपने हेल्थ के कारण से बिग बॉस 13 के घर से बाहर गए थे, तभी जो है उन दोनों के बीच में ये डील हुई थी। तो सिद्धार्थ शुक्ला फिक्स विनर है, वो वोट के आधार पर नहीं बल्कि फिक्सिंग के आधार पर जो है जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जो कह रहा हूँ अगर ये गलत है और कोई साबित कर दे तो मैं जो है जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को सुनने के बाद अब जो है ये बड़ा सवाल बन गया है कि क्या सचमुच जो है सिद्धार्थ शुक्ला विजेता बने हैं या फिर उनको बनाया गया है, क्योंकि जितने भी क्लूज आ रहे हैं उन सबसे साफ साफ ये साबित होता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस 13 का विजेता बनाया गया है आसिम रियाज को जो है ज़बरदस्ती हरा कर, क्योंकि वोटिंग में भी आसिम रियाज बहुत ज़्यादा आगे थे सिद्धार्थ शुक्ला के मुकाबले। जितने भी सीजन्स में वोटिंग पोल हुए हैं उन सब में जो है सिद्धार्थ शुक्ला आगे नज़र आ रहे थे आसिम रियाज से, लेकिन जो है फिनाले कि जितने भी वोटिंग ट्रेंड हुई उसमें जो है आसिम रियाज ने सिद्धार्थ शुक्ला को मात दिया हर एक वोटिंग ट्रेंड में, लेकिन उसके बावजूद भी सिद्धार्थ शुक्ला बन गए बिग बॉस 13 के विजेता। अब ये कैसे हुआ ये जो है बहुत ही बड़ी अब चिंता और मनन की बात है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि बिग बॉस जब चल रहा था भी काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहा और एक समय ऐसा भी था कि जब ये खबर बाहर आई कि जब सलमान खान ने सिद्धार्थ शुक्ला को गुस्से में बात कहने लगे तभी जो है क्रिएटिव टीम ने उनको रोक दिया और जो है उनके कान में बोला गया कि आप जो है सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं कह सकते हैं, और जो सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ प्रयोग कर रहे थे सलमान खान वर्ड वही वर्ड जो है रश्मि देसाई के खिलाफ जो है कहने के लिए कह दिया गया है। वहीं बात करें तो ये भी खबरें आई थी कि कलर ऑफ द वीक ने जो है सिद्धार्थ शुक्ला के लिए फ़ोन किया था लेकिन उसको जो है क्रिएटिव टीम ने मना कर दिया पूछने से और कह दिया गया कि यही सवाल जो है आप आसिम रियाज से करें। तो ये खबरें भी सामने आई थी, साथ ही साथ ये खबरें भी सामने आई कि सलमान खान जो है वो बिग बॉस और क्रिएटिव से नाराज हो गए हैं क्योंकि उन लोगों ने ये तय कर लिया है कि सिद्धार्थ शुक्ला विनर बनेंगे फिक्सिंग के आधार पर। जब यह सलमान खान को पता चला तो काफ़ी नाराज हो गए थे क्योंकि उनका कहना था कि वोटिंग के बेसिस पर जो है विजेता को चुनो। ये बात भी खबर आई थी कि क्रिएटिव टीम और सलमान खान के बीच में मनमुटाव हो गया है और सलमान खान ने मना कर दिया है कि मैं नहीं
करूँगा जो है वीकेंड का वार फिनाले, जब तक ये वोटिंग आधार पर नहीं होगी। अगर हम फिनाले देखे भी तो जैसे ही सलमान खान ने विनर का नाम अनाउंस किया उसके तुरंत बाद जो है वो आसिम रियाज को गले लगाए, तो कहीं ना कहीं इससे भी ये संकेत मिल रहे हैं कि आसिम रियाज को सिद्धार्थ शुक्ला से ज़्यादा वोट मिले थे। और तो पूरा सीजन में ही जो है सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ बिग बॉस बायस नज़र आए ही और जो है सारे फैसला जो है सिद्धार्थ शुक्ला के पक्ष में ही लिए गए, तो कहीं ना कहीं आसिम रियाज को जानबूझकर जो है बिग बॉस 13 की ट्रॉफी से दूर किया गया है और उनको जबरन हराया गया है। ये बात बिल्कुल अब जो है स्पष्ट हो रही है, क्योंकि ये जितना भी मैंने आप लोगों को बात बताया इस सबसे ये बात साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला को फिक्स विनर के तौर पर विजेता बनाया गया जबकि आसिम रियाज को उनसे ज़्यादा वोट मिले थे। तो इस पर आपका क्या है कहना हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।